हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली जो आरआरबी है वो सभी कैंडिडेट्स का इंतज़ार ख़त्म कर रही है। एक और ज्वाइनिंग लेटर जो कि मैसेज द्वारा आया है आप देख सकते हैं, अपन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय एक वैलिड नंबर डाला होगा बट ड्यू टू सम रीजंस वो नंबर उन्हें चेंज करना पड़ा होगा। तो इसीलिए आपका जो अगर पुराना नंबर जो बंद कर दिया होगा आपने और अगर नया अपडेट कर लिया होगा तो उसे शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये मैसेज पर आया है पूरा का पूरा ज्वाइनिंग लेटर, इन्हें बताया है कब कितने बजे कहाँ पहुँचना है और इतने इनके पास कितना टाइम है। नहीं तो अगर मैसेज पे आएगा और अगर आपको नहीं मिल पाया तो ये बहुत ही ज़्यादा जो आपने हार्डवर्क किया है इतने दिनों का, इतना इंतज़ार किया है और आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आपका जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा। आप सभी जानते हैं आप मात्र एक पड़ाव दूर हो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से, वो भी रेलवे का हिस्सा बनने से। दोस्तों बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए और ख़ासकर अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और जो एड्रेस डाला था जहाँ पर पोस्ट आ सकता है, ये तीनों के तीनों चीज़ें थोड़ी सी अपडेट रखिए। फ़ोन और ईमेल का तो खासा मैं आपके ऊपर दोस्तों बोलने वालों की प्लीज़ कीजिए ये। क्योंकि ये देखिए अब बातें बहुत हो गई, चलिए शुरू करते हैं। आपका भाई आपसे बोलेगा कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं, चैनल से जुड़ते जाइए अगर आप नए व्यूवर हो तो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। तो चलो बातें बहुत हो गई, आप पहले देख लीजिए 2 मार्च 2020, ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ रहती है तो मैंने हाइड कर दी है। इसके पहले एक जो अगर आप न्यू व्यूअर है तो 29 तारीख को वापस से एक और चेन्नई का आया था, उस पर भी मैसेज के द्वारा ही आया था। तो आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में और वीडियो देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं। आप क्या लिखा है इनके लिए, यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू द चीफ सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। दोस्तों इनको कहाँ का वो बोला है रिपोर्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर चीफ सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ऑन 18/3/2020 18 मार्च को इनको वहाँ पर रिपोर्ट करना है, कितने बजे 9:30 बजे तक। हर आर्स अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपने जब भी ये एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके पहले पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑनलाइन आपको अपडेट करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है, 10th 12th ITI डिग्री, TC कम्युनिटी और ETC, ठीक है दोस्तों। और स्पेशली जो आपके कास्ट के सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें मैंने आपको बताया है OBC और SC ST वालों के लिए, SC ST वालों के लिए पुराने 3 साल के चल जाएंगे पर जो OBC वाले उनको लास्ट 1 ही ईयर का चलता है। तो खासकर ज़्यादा ध्यान देना कि उसे अपडेट करवा लेना, नहीं तो वहाँ पर जाके बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले थोड़े से जो वर्कर्स रहते हैं आप सभी जानते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वैसा काम हो जाएगा आपके साथ। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपके जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स है वो, क्योंकि अब जैसा ही रेलवे का हिस्सा बन जाओगे तो आपकी जो इनकम है सैलरी है वो पूरे पूरे खाते में जाएगी और रेलवे चाहती है कि हम इसका पूरा का पूरा जो लेटेस्ट अपडेट है कैंडिडेट्स का वो रखें हमारे साथ। फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड सभी के पास रहता है और पैन कार्ड बहुत कम लोगों के पास, जैसे 10 में से 7 लोगों के पास हो गया तो बना लीजिए, कोई इतना टाइम नहीं लगता है, 15-20 दिन में आ जाता है। और अगर आप उसकी जेरोक्स भी लेके जाते हैं तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है क्योंकि उनको पता चल जाएगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली काम नहीं होगा। तो प्लीज़ पैन कार्ड जरूर बनवा दीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स भाई लोगों से। 1 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी और पूरे के पूरे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पूरे के पूरे अटेस्टेड फोटो कॉपी। अब वो अटेस्टेड किससे होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिसर एंड अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म ये देखिए नीचे आ गया अपन थोड़ा सा, ये रजिस्टर्ड ऑफिसर अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड वाइट लेटर 29/2020। ये 29 तारीख को निकला हुआ था, इनके पास शायद ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर भी इनके घर के पास आ जाएगा। देखिए रेलवे भी कैंडिडेट्स के लिए कितने अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं आप देख सकते हो, क्योंकि 29 यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि बेटा जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो प्रोसीजर है वो मैं शुरू कर दिया 29 तारीख से, हो सकता है आपके घर के पास वो एज सून एज पॉसिबल आ जाए। अब फिर स्टेटेड बाय स्टेपेंड्री फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आपके जो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके द्वारा सील थप्पे लगे होने चाहिए, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिसर से या क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। अब इनको बोला है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके अटेस्टेड करवा लीजिए, सील थप्पे लगवा लीजिए, हो सके तो दोस्तों 2-3 फोटोकॉपीज या जेरोक्स रखिए क्योंकि आगे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो कहाँ भागोगे आप अननोन सिटी में जाके इधर उधर। फिर इंस्ट्रक्शन इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इन्हें कौन सा पद, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट का है ना, आप यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी देख सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ, यू मस्ट प्रिपेयर टू स्टे फॉर मोर देन 1 डे इन द फॉर द ज्वाइनिंग प्रोसेस। दोस्तों पिछली बार भी देखा था तो रेलवे ने यहाँ पर मेंशन किया था, रेलवे लिख रहा है यहाँ पर कि आप जब भी आए तो अपना 1-2 दिन का बंदोबस्त लेकर आए क्योंकि हो सकता है आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं। तो अपना खाना वाना जैसे आप कहाँ खाएंगे कहाँ रुकेंगे तो उसका बियर आप जो पूरे के पूरे पैसे वैसे आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए।
और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट ये नंबर देख सकते हैं आप। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन इन भाई को। हो सकता है आगे और जल्द से जल्द, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि मार्च में जो स्टार्टिंग वीकेंड है और मार्च का पूरा वीक, पूरे के पूरे आरआरबी को इंडिकेशन मिलता है कि आप इतना डिले ना करें। और अभी तो एनटीपीसी का भी आ गया है, वो एजेंसी ढूंढ रहे, आपने देखा है ओपन बता दिया गया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस एजेंसी के लिए टेस्ट करवाने के लिए तो आइए और हमसे टेंडर लीजिए और एग्ज़ाम करवाइए। इन्हें करवाना ही है, अभी जेई का प्रोसीजर और फास्ट चलते जाएगा। तो मेरी आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं हो तो प्लीज़ चैनल का हिस्सा बन जाना, क्योंकि अब ऐसी ही लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगी। चलिए तो आज का वीडियो यहीं रोकते, होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ऐसी अगर आप नहीं करोगे तो ऐसी चीज़ें आपसे छूट जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। तो वंस अगेन थैंक यू सो सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।